अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दना दना। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और जीरो नंबर पाते थे हर बार दनादन। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। बड़े निठल्ले सांड हो गए, खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार दनादन। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। तब बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। अरे बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार धनाधन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार धनाधन। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। तो हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पिटाई। अरे हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई, टुन टुन सी दमदार दनादन। हमने तिकड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई, टुन टुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी, कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी, हिटलर का अवतार दनादन। वाह 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 वाह। मेरे मामा कहते थे कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम, एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे, फिर क्या हुआ कि सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे। सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते चार दिन। सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते चार दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आगे, बिना पदक के रेस जीत गए, ऐसी थी रफ्तार दनादन। भाई कमाल, वाह। तो बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली। अरे बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चट्टी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। बचपन में थी चट्टी ढीली, चट्टी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार दनादन। भगवान कसम, क्या शानदार सुन रहे हो आप लोग। वृंदावन में एक बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, एक बड़ी कवि ने एक बड़े कवि ने बड़ी देर तक कविता सुनाई, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। उस कवि को गुस्सा आ गई, गुस्से में जोर से चिल्लाया कि लगता है जितने बैठे सब कसम खा के आए के ताली नहीं बजाऊंगे, लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला साथ चल, धक्का मैं लगाऊंगा। कवियों की हालत खतरनाक हो जाती है। अभी तो आए थे हम, पिछली बार भी वृंदावन आया तो मेरे साथ विनोद भाई आए, विनोद पाल जी, बोले दीपक दनादन अभी तो कार्यक्रम शुरू होने में टाइम है, चलो अपन घूम के आते हैं, मेला लगा है। मैंने कहा चलो भाई साहब घूमते हैं। तो मैं और विनोद भाई घूमने चले गए, एक आदमी गधे को लेके खड़ा, उसने गधे के ऊपर एक शर्त लिख के रखी कि जो इस गधे का सिर बिना हाथ लगाए नामे हिला के दिखाएगा उसको 10,000 रुपये नगद इनाम दिए जाएंगे। हर आदमी ने कोशिश कर ली, कोई नहीं कर पाया। फिर विनोद भाई गए, धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन नामे से हिला दिया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने विनोद पाल से कहा कि मेरे बाप तूने इसके कान में कहा क्या? विनोद पाल बोले कुछ नहीं भाई साहब, सिर्फ इतना ही कहा, कवि हूँ, कविता सुनाऊं। अच्छा हमने दूसरा चक्कर लगाया तो पट्टे ने दो शर्त रख दी, जो इस गधे का सिर हाँ में हिलाएगा उसके बाद ना में हिला के दिखाएगा उसको 20,000 दिए जाएंगे। फिर सबने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर विनोद भाई गए, धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन हाँ में सिर हिलाया, दूसरी बार कहा, फौरन ना में सिर हिलाया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने 20,000 दिए, सिर ठोक लिया, बोले अब क्या कहा? ये बोले कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहा था, पहचाना। सुनाओ ताली वाली।
जिंदाबाद। मैं तो सुनाऊं ना। अरे आज भड़ास निकालू मन की कोई तो समझाओ रे, आज भड़ास निकालू मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे, आज भड़ास निकालू मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है। सब नहीं बजाओगे तो यही गाता रहूंगा पूरे, दूसरे को आने नहीं दूंगा, सब बजाओ। भाई साहब आप पीछे हाथ, मतलब ठंड तो खत्म हो गई, गर्मी अब तो बजाओ। आज भड़ास निकालू मन की कोई तो समझाओ, भाभी जी आप भी नहीं बजाओगे तो मैं यही डांस करने लगूंगा। आज भड़ास निकालू मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे, हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम रे, हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम रे, कोयल जैसी भाषा बोले कौवे जैसे काम करे, कोयल जैसी भाषा बोले कौवे जैसे काम करे, झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी, झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी, नकली घी में चुपड़ चुपड़ के रोटी देते हैं बासी। क्या बात है। अरे इनको चिंता नहीं वतन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे, बड़े बड़े पंडाल लगा कर ज्ञान बांटते आप हैं। भगवान श्री राम की समस्या ये नहीं है कि अयोध्या में मंदिर बन रहा कि नहीं बन रहा, भगवान श्री राम की समस्या चार पंक्तियों में बताता हूँ। और वृंदावन वालों अगर लगे कि मैंने बिल्कुल ठीक बात कही है तो पूरा समर्थन करना। बड़े बड़े पंडाल, हाँ शुरू हो जा, बड़े बड़े पंडाल लगा कर ज्ञान बांटते आप हैं, बड़े बड़े पंडाल लगा कर ज्ञान बांटते आप हैं, भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं, भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं, अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया, अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया, रामचंद्र ये कहे सिया से बाबा नाम डोरिया।